वैसे तो हरौला में रहती हूँ सेक्टर 5 में, और मैं यहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लास के लिए आई हूँ। यहाँ पे एक क्या कहते हैं डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी टाइप का है जहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पे कोई भी आके दवाइयाँ ले सकता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, और यहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिलती हैं बिल्कुल फ्री। यहाँ पे कोई भी दवाइयों की पैसे नहीं लगते, ये सेक्टर 12 में है। ये संस्था पिछले 26 वर्षों से नोएडा में सेवारत है जरूरतमंदों के किसी भी समस्या के। निशुल्क दवा बैंक 21 अक्टूबर 2021 को विधिवत शुरू किया गया। इसकी कार्यप्रणाली और उद्देश्य यह है कि करीब पूरे नोएडा क्षेत्र में हमारे 46 दवा बैंक तमाम कलेक्शन बैंक्स हैं, डिब्बे हैं जो हमने जगह जगह रखे हैं। वहाँ से वो लोग खबर भेजते हैं, भाई साहब मेरा डिब्बा भर गया, मंगवा लीजिए, हम उनके यहाँ से दवा कलेक्ट करते हैं। और ये दवा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ड्रग लाइसेंस है यूपी गवर्नमेंट का, और फार्मासिस्ट जो इसका काम को पूरी तरह से पारंगत है वो इन दवाइयों को छांटते हैं। जिन दवाइयों की जो एक्सपायरी डेट है 3 माह से लेकर के 2 साल तक होती है वो तो हम रखते हैं लोगों को देने के लिए, और जिन दवाइयों का उससे कम समय का एक्सपायरी होती है, एक्सपायर हो चुकी है, उन दवाइयों को हम डिस्ट्रॉय करवा देते हैं विधिवत। ये दवाइयां हमने अपने यहाँ रख रखी हैं और रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट है। जो मरीज आते हैं अगर उनके पास क्वालिफाइड और पूर्ण डिग्रीधारी डॉक्टर का पर्चा है तो उनका आधार कार्ड दे करके उनको ये दवाई हमारे यहाँ से निःशुल्क दे दी जाती है। हम सब लोगों का सिर्फ लक्ष्य यह है कि जरूरतमंद आदमी पैसे के भाव में इलाज से वंचित न हो।